नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भाई ने बहन के घर में डाला डाका, पुलिस ने 1,47,00,000 रुपयों के साथ दबोचा। राजस्थान के दूदू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक भाई ने अपनी ही बहन के घर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने रुपयों के साथ भाई को दर दबोचा। आपको बताते चले, जिले के रेनवाल थाना इलाके में पुलिस ने गश्त के दौरान 1,50,000 रुपये की नकदी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस को चकमा देकर 3 लोग भाग निकले। गिरफ्तार युवक अपनी बहन के घर पर रखे 1,47,00,000 रुपए चोरी करके भाग रहा था। रेनवाल थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि खाटू श्याम जी निवासी परिवादी बंसीलाल ने खाटू श्याम जी पुलिस थाने में अपने साले सहित अन्य लोगों के खिलाफ घर से नकदी चुरा कर ले जाने का मामला दर्ज कराया था। गश्त के दौरान पुलिस ने उसे रुपयों के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं 3 लोग मौके से फरार हो गए। दरअसल मीठड़ी थाना नावा निवासी महेंद्र कुमार अपनी बहन के घर खाटू श्याम जी गया, जहां किसी के नहीं होने पर अपने 3 साथियों के साथ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर में रखे 1,47,41,600 रुपये लेकर फरार हो गया। थानाधिकारी ने बताया कि सुरेंद्र कुमार ने बताया कि खाटू श्याम जी से रुपये चोरी कर युवक कुचामन लेकर जा रहे थे। इसी दौरान रेनवाल थाना पुलिस ने गश्त के दौरान अनाज की बोरियों में छिपा रखे 1,47,41,600 रुपये जब्त कर लिए। वहीं पुलिस ने नोटों की गिनती के लिए रेनवाल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को मौके पर बुलाकर नोटों की गिनती करवाई। खाटू श्याम जी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। फिलहाल रेनवाल और खाटू श्याम जी पुलिस गिरफ्तार युवक से बड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। बहन के घर पर डाका डालकर 1,47,41,600 रुपये लेकर भागने वाले भाई महेंद्र कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक के जीजा बंसीलाल ने बताया कि उन्होंने खाटू श्याम जी में 1 साल पहले अपनी ज़मीन बेची थी। ऐसे में अन्य ज़मीन खरीदने के लिए वह घर में रुपए रखे थे। साले को घर में रुपए होने का पता था। वह अपने 3 साथियों के साथ घर में रखे 1,47,41,600 रुपये लेकर फरार हो गया था। लेकिन बीच रास्ते में रेनवाल थाना पुलिस ने गश्त के दौरान युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस।